हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छे। मेरा नाम है सुधीर। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में, और ताजमहल के बारे में जो फैक्ट्स पढ़ेंगे उनको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे तो 7 फैक्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको 15 फैक्ट बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट द ताजमहल। ताजमहल के बारे में बताना है। पहला, द ताजमहल बेस इज़ मेड अप ऑफ वुड, हैज़ टू बी मॉइस्ट टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, जो ताजमहल जिस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है ना, उसके नीचे बहुत कुएं खोदे गए हैं, और कुएं के नीचे यहाँ पे लकड़ी डाली गई है। ठीक है, तो लकड़ी क्या होती है, ऐसी लकड़ी है जिसमें देखिए यमुना नदी का पानी यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल जो यहाँ पर पानी है, ये पानी क्या करता है, यमुना नदी का पानी ये आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। कौन? ये जो यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है ताजमहल के नीचे। तो ऐसे बहुत सारे कुएं बने हुए हैं और कुओं में लकड़ी भरा गया है। तो ये खास बात क्या है इस लकड़ी की, कि इस लकड़ी को जितना पानी मिलेगा वो लकड़ी इतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड नंबर, द ताजमहल वॉज बिल्ट विथ 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। तो कितने स्टोन इसमें लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ वाइट स्टोन नहीं लगा हुआ है, 27 तरह के यहाँ पे स्टोन इसमें लगे हुए हैं। एवरीथिंग वॉज बिल्ट इन सच वे दैट इट वुड बी स्लाइड अवे फ्रॉम द टॉम। तो देखिए, आप किसी भी तरफ से आप जाएंगे तो ताजमहल आपको एक ही जैसा दिखेगा, ये आप ध्यान में रखिए। कभी आप जाइएगा तो देखिएगा, जिधर भी जाएंगे आपको सेम वैसा ही दिखेगा। अगला है, अंडर द ब्रिटिश एम्पायर द पैलेस गार्डन वॉज ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, जो पैलेस गार्डन था जब ब्रिटिश का कब्जा हो गया था, तो पैलेस गार्डन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टू सीक रिवेंज ऑन शाहजहाँ। अब देखिए, शाहजहाँ से बदला लेने के लिए, देखिए शाहजहाँ को हम और किस नाम से जानते हैं, शाहजहाँ को हम जानते हैं खुर्रम के नाम से, खुर्रम के नाम से। अब यहाँ पे आते हैं, द वर्कर्स मेड अ होल ऑन द रूफ। तो इसकी जो छत थी उसमें वर्कर्स ने क्या किया, इसमें एक छेद बना दिया। क्या बना दिया, एक छेद बना दिया, मतलब इनसे बदला लेने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल में बनवाने के बाद उसने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, तो जैसा भी था, तो इन्होंने एक होल बना दिया था छत पे। ओनली 3 डेज अ ईयर, सिर्फ 3 दिन पूरे साल में जो टॉम्ब है इनका, मुमताज का और शाहजहाँ का, वो जनरल पब्लिक के लिए खुलता है साल में बस 3 बार। और आखिरी जो फैक्ट है, द ताजमहल फाउंटेन ऑल वर्क्स टूगेदर। तो ताजमहल में जितने भी फाउंटेन हैं वो एक ही साथ चलते हैं, मतलब उनकी टाइमिंग क्या है, सेम है। तो देखिए, आपने तो 7 फैक्ट पढ़ लिया, अब इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। देखिए, इसका निर्माण का समय यानी कि कब ये बना, तो ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था। कब हुआ था, 1632 में, और 1653 में ये पूरा हुआ। तो 32 से लगभग कितना हो गया, 20 और 21 साल, 21 साल लगभग लग गया इसको बनने में। किसको, ताजमहल को। इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे। तो देखिए भाई, 22 साल इस ईयर को भी ऐड कर लिया जाएगा, तो 22 साल लगभग टोटल हो जाता है। निर्माता कौन थे, किसने इसको बनवाया था, तो ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो शाहजहाँ ने किसके, इनकी पत्नी थी कौन, मुमताज महल, तो उनकी याद में इन्होंने बनवाया था क्या, ताजमहल। फिर किस जगह पे है ये, तो ताजमहल इंडिया के उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, आगरा शहर में। अब देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर किसने बताया, तो इनका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था, सिकंदर लोदी। और जो आपका आगरा है वो यमुना नदी के किनारे, और ताजमहल पे आप जाएंगे तो ताजमहल के जस्ट बगल में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। अगला, स्थापत्य शैली मतलब किस कल्चर को देख के ये बनाया गया है, तो ताजमहल इस्लामी कल्चर, फारसी कल्चर, तुर्की और भारतीय वास्तुकला शैलियों का क्या है, मिश्रण है, जिसे मुग़ल वास्तुकला कहा जाता है। सामग्री मतलब कि किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, ये वाइट संगमरमर से जो मकराना में पत्थर मिलता है राजस्थान में, और ये कहाँ पे है, नागौर ज़िले में, नागौर ज़िले से यहाँ पे पत्थर लाए गए थे राजस्थान के। इसका मुख्य आकर्षण क्या है, ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं जो मुख्यतः मकबरे के चारों ओर से घिरती हैं। तो ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें हैं और ये क्या करती हैं, इस मकबरे को घेरती हैं। फिर है कलात्मक, इसमें की गई नक्काशी और जड़ाऊ काम में बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसमें कारेलियन, लाजवर्द, नीलम आदि
शामिल हैं। तो इस टाइप के पत्थर का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखिए यूनेस्को यूनेस्को का काम क्या है कि जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना। तो ताजमहल को 1983 में क्या किया गया यूनेस्को ने, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस कहाँ, फ्रांस में। और ये क्या करता है, पुरानी चीज़ों को देखभाल करता है, मतलब कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको बचाना। तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया कब, 1983 में। इसका रंग परिवर्तन क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ताजमहल दिन के दिन अलग समय पे अलग रंगों में दिखता है, सुबह या गुलाबी दिखता है, दोपहर में सफ़ेद दिखता है, और रात चांदनी रात में एक ऐसा दिखता है, सुनहरा दिखता है। तो सुबह के टाइम ताजमहल कैसा दिखता है, गुलाबी दिखता है, ये ध्यान रखिएगा, दोपहर में सफ़ेद दिखता है और रात में सुनहरा दिखता है। फिर है इसका संदेश क्या है, तो इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया के 7 अजूबों में भी ये शामिल है। चलिए अब दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, कंबोडिया का मंदिर, कंबोडिया का मंदिर, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया को क्या कहते हैं, घोड़ों का देश, क्योंकि यहाँ पे घोड़े सबसे ज़्यादा हैं, घोड़ों का देश। चलिए तो काफ़ी फैक्ट आपने पढ़ लिया, कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।